हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले एक पोएम, उसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो, जो रचित की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ये पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देती है हमें हमारे जीवन के लिए कि कई बार हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटती है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। तो इस पोएम में देखते हैं कि किस प्रकार से कवि के जीवन में कोई घटना क्या घटी है और किस प्रकार से उसके जीवन में बदलाव आया है। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत इस शानदार पोएम के साथ में। सबसे पहले कवि कह रहा है, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बर्फीला इलाका है और यहाँ पे ये जो एक हेमलॉक ट्री है उस पे एक कौवा बैठा हुआ है और कवि ये कह रहा है कि एक कौवा जो उसके ऊपर बैठा हुआ था उसने अपने आप को हिलाया और हिला के उसने मेरे ऊपर कुछ गिरा दिया। क्या गिरा दिया हम लोग देखते हैं इसमें। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री पे जो कौवा बैठा हुआ था उस कौवे ने क्या किया, मेरे ऊपर जो है बर्फ के कुछ कण गिरा दिए। और उसने जब मेरे ऊपर बर्फ के कुछ कण गिराए तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, मेरे विचारों में बहुत बड़ा बदलाव आया। और मेरे विचारों में और जीवन में क्या बदलाव आया मैं आपको वो अभी बताता हूं। Has given my heart a change of mood। जब कौवे ने ऐसा किया तो मेरा जो हार्ट है, मेरा जो हृदय है उसमें बिल्कुल परिवर्तन आ गया। मेरा जो मूड है वो बिल्कुल एकदम से बदल गया। मैं पहले कुछ और ही प्रकार से चिंतित था या और ही ख्यालों में खोया हुआ था, डूबा हुआ था, पर अब मेरा मूड जो है, मेरी मनोदशा जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम्ड। और सेव बचा लिया सम पार्ट ऑफ ए डे, दिन का कुछ भाग। आई हैड ड्रीम्ड, ड्रीम्ड का मतलब बर्बाद कर देना, दिन का कुछ भाग जो मैं बर्बाद करने जा रहा था उसे बचा लिया गया। तो यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं हेमलॉक पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, वहां पे कौवा बैठा था और उसने बर्फ के कुछ कण मेरे पे गिरा दिए और मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। जैसे ही उसने बर्फ के कण मेरे पे गिराए तो उसके बाद में मेरे विचार बिल्कुल बदल गए और विचार बदलने के बाद में मैंने सोचा कि मैंने जीवन को, यहाँ पे डे का मतलब है जीवन, वैसे दिन होता है लेकिन यहाँ पे मतलब है जीवन, मैंने अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा दिया है। अब मुझे इसका सदुपयोग करना होगा, बचा हुआ मेरा जितना भी जीवन काल है उसका मुझे बहुत ही सोच समझ के प्रयोग करना होगा और उसमें बहुत ही कुछ कामदायक मुझे करना होगा। तो दोस्तों, अगर हम भी अपने जीवन को इस तरह से व्यर्थ जाने दे रहे हैं तो ये कविता हमें संदेश देती है कि अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, परंतु आगे आने वाले समय में हमारे जीवन में हमें कुछ ना कुछ फायदेमंद या कुछ ना कुछ उपयोगी जरूरी करना चाहिए। चलो अब इसके आगे देख लेते हैं इसके लिटरेरी टर्म्स को। जैसे पहले आप देख सकते हैं, पहले की चार लाइन में द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अगर इसकी राइम स्कीम की बात करें तो क्रो स्नो ये ए ए हो गया और मी और ट्री ये बी बी हो गया। तो इसमें राइम स्कीम होगी क्रो स्नो और मी और ट्री, तो ए बी इसकी ये राइम स्कीम हो गई। और साथ ही साथ में हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा, असोनेंस का इसमें यूज किया गया है। असोनेंस का मतलब होता है जो वोवल साउंड्स जो होती हैं उनको रिपीट करना। जैसे इसमें देखें सुक डाउन ऑन, तो ओ ओ ओ की जो साउंड रिपीट हो रही है तो ये फिगर ऑफ स्पीच होता है असोनेंस। ठीक है, अब इसके साथ साथ में आगे वाली लाइनों में देखते हैं। आगे वाली जो चार लाइन है, हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम्ड। अब इसमें आप आसानी से देख सकते हैं हार्ट और पार्ट ये राइम स्कीम होगी सी और सी, मूड और यू ये राइम स्कीम होगी डी और डी, तो इसकी राइम स्कीम हो गई सी डी सी डी। आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ में हम लोग देख सकते हैं इसमें एलिटेशन का प्रयोग किया गया है। एलिटेशन में जैसे हैज और हार्ट, एच एच का रिपीटेशन है, हालांकि थोड़ा दूर है फिर भी इसे एलिटेशन हम लोग कह सकते हैं। और साथ में तीसरी लाइन में सेव्ड और सम, एस एस का रिपीटेशन है,
ये भी क्या हो गया, एलिटेशन हो गया। साथ ही साथ में इसमें कॉन्सोनेंस का प्रयोग किया गया। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग किया जाना, रिपीट किया जाना। जैसे यहाँ पे डे और हेड और रूट, इसमें डी 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 का रिपीटेशन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सोनेंस। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये कविता हमें कई प्रकार की बातें सिखाती है कि हमने अपने जीवन का जो समय बर्बाद कर दिया वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।